Some news just coming in. Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal has said that in view of the current circumstances and after receiving a lot of requests from parents and teachers, the ministry is contemplating the option of reduction in the syllabus and instructional hours for the coming academic year, is what the minister is now saying. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार काफी सारी रिक्वेस्ट के बाद सीबीएसई ने दो इम्पोर्टेंट चेंजेस करने का डिसीजन लिया है। ये कौन से दो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्लस इसमें मैं ये भी बताने वाला हूं कि जो स्कूल सिलेबस को रिड्यूस करने की बात हो रही है, स्कूल टाइमिंग को रिड्यूस करने की बात हो रही है, वो एक एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए और सीबीएसई कितना रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो यार हमारे रमेश पोखरियाल निशंक सर ने एक ट्वीट किया था ट्विजडे को और उन्होंने कहा था कि हम पेरेंट्स से और टीचर्स से उनका एडवाइस चाहते हैं कि सिलेबस का कम होना तो लगभग तय है, लेकिन कितना कम किया जाए इस चीज के लिए वो हमसे एडवाइस मांग रहे हैं। यार आप सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो पूरी दुनिया में एक एजुकेशन सेक्टर में तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस पैनाडेमिक की वजह से, और इसी के लिए निशंक सर ने ट्यूजडे को एक ट्वीट किया था और उनमें उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मुझे पेरेंट्स और टीचर्स से एक सजेशन चाहिए कि एक अगर सिलेबस कम किया जाना चाहिए तो कितना कम किया जाना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को कंसीडर किया जाए और कौन से चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए। उन्होंने ट्वीट किया था कि काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे पेरेंट्स के, टीचर्स के, स्टूडेंट्स के कि सर सिलेबस रिड्यूस किया जाए, स्कूल टाइमिंग रिड्यूस की जाए, क्योंकि जो हमारी करंट सर्कमस्टांसेस है वो एडॉप्टेबल नहीं है स्कूलिंग के लिए। काफी ज्यादा आवर्स अगर हम स्कूल में बिताएंगे तो हम ज्यादा प्रोन हो जाएंगे इस डिजीज को लेकर। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए उन्होंने सीबीएसई की तरफ से कहा है कि सिलेबस का रिड्यूस होना और स्कूल की टाइमिंग का रिड्यूस होना तो लगभग तय है, लेकिन कितना किया जाए ये हम पर डिपेंड करता है। हम पर कैसे डिपेंड करता है यार, कि दूसरा ट्वीट में उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब मैं सारे पेरेंट्स और टीचर्स से ये अपील करना चाहूंगा कि वो अपना सजेशन हमारे ट्विटर अकाउंट, मतलब एचआरडी मिनिस्टर के ट्विटर अकाउंट या फेसबुक पेज पर आप हैशटैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स 2020 कर आप क्या चाहते हैं कि इस आने वाली ईयर में 2020 और 2021 में क्या सिलेबस हो सीबीएसई का, वो आप पोस्ट कर सकते हो हैशटैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स 2020 करके। तो ये बहुत बड़ी राहत थी समझ लीजिए यार। और हमारा चैनल क्या ट्वीट करने वाला है, कितने परसेंट सिलेबस कम कर सकती है सीबीएसई, मैं आपको इस बारे में बता देता हूं। देखो यार ऑलरेडी हमारा जून का महीना चल रहा है और जहां तक लेटेस्ट न्यूज की बात है तो 15 अगस्त के बाद स्कूल एंड कोचिंग्स खोलने का सजेशन सीबीएसई और एनसीईआरटी ने दिया है और एनसीईआरटी इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कर रही है। तो अगर स्कूल हमारा अगस्त में स्टार्ट होता है तो आप समझ लो अगर नॉर्मल ईयर होता तो अगस्त तक हमारे थ्री टू फोर चैप्टर्स, मिनिमम फोर चैप्टर्स तो हर स्कूल में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट तक अगर हम जोड़े जो हमारा यूनिट वन होता है, जो हमारा फॉर्मेटिव वन होता है उसमें 2 to 3 चैप्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर हमारा सिलेबस 20 to 25% भी रिड्यूस हो गया ना, 2 to 3 चैप्टर्स भी हर सब्जेक्ट से रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे आने वाले ईयर में हमें ये जो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं क्या ट्वीट करने वाला हूं यार, मैं ये ट्वीट करने वाला हूं कि सर 25% जो है सिलेबस को कम किया जाए और स्कूल टाइमिंग जो कि वीक में 45 आवर्स का था उसको कम करके अब 30 to 35 आवर्स का कर दिया जाए। दैट मीन्स कि 3.5 से 4 घंटे एनफ है स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में। तो ये सब कुछ था हमारा स्कूल टाइमिंग और सिलेबस को लेकर। स्कूल टाइमिंग के लिए भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन मांगा है कि स्कूल टाइमिंग अगर चेंज किया जाए तो कितना चेंज किया जाए। दूसरी बड़ी चीज ये है यार कि ऑलरेडी सिलेबस एक बार अप्रैल में इम्प्रोवाइज हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है हमारा बर्डन, हम स्टूडेंट्स का बर्डन कम करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी फिर से करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और स्कूल अपना सिलेबस पूरा नहीं करा पाएगी, इन चीजों को देखते हुए एक बार फिर से सिलेबस इम्प्रूव होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है यार कि हैशटैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स 2020 करके आप एचआरडी मिनिस्टर के ट्विटर पर या फेसबुक पेज पर
पोस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 20-25% सिलेबस रखने की मांग कीजिए और हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 3-4 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट से रिड्यूस हो ही जाए। तो थैंक यू सो मच यार, यही थी हमारी आज की बड़ी अपडेट और जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।